मिश्रा जी जो माननीय शिक्षा मंत्री रहे हैं, LLB किया हुआ है उन्होंने, एजुकेशन भी उनकी अच्छी है, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने बड़े प्यार से कह करके पल्ला झाड़ लिया। भ्रष्टाचार से यहाँ डॉक्टरों के ट्रांसफर होते हैं, पैसे से होता है सब, आपको भी बताया सरकारी में। देखिए सिद्ध करने को कुछ नहीं है, 14 दिन हो गए, आज 15वां दिन है नो टू RTH आंदोलन का, और ये हमारे यूं समझ लीजिए अंदर की जो व्यथा है ना उसको भूल करके हम अपना मन बहला रहे हैं, ठीक है। और सरकार है उसकी आंख नहीं खुल रही। गहलोत जी ने जो आपके सामने अपडेटेड है कि उन्होंने क्या क्या किया, कल डॉक्टरों का एक दल उनसे मिला, फिर उन्होंने गोविंद जी डोटासरा को नियुक्त किया, और डोटासरा जी जो माननीय शिक्षा मंत्री रहे हैं, LLB किया हुआ है उन्होंने, एजुकेशन भी उनकी अच्छी है, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने बड़े प्यार से कह करके पल्ला झाड़ लिया कि इस मामले में मुझे समझ नहीं है। तो सोचिए आज इतने बुद्धिजीवी सड़क पर अपना एक कीमती समय होता है, इतना एक एक क्षण हमारा कीमती होता है, हम खाते पीते कहीं बाहर जाते घूमते परिवार के साथ कभी नहीं देते इतना टाइम, जो आज हम यूं सड़क पर यूं कह दिए रुल रहे हैं, है ना। और उसके बाद भी उनको सुध नहीं है कि क्या करना चाहिए, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे राज्य की जनता के स्वास्थ्य की चिंता है और उसके लिए मैं RTH बिल लाया हूँ। बिल का जो बजट है हमारा, अभी जो RTH का बजट दिया है उसमें 14 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान रखा है, 8.5 करोड़ जनता के लिए, प्रति व्यक्ति क्या आया उसके हिस्से में, कोई बात नहीं। 14 दिन से डॉक्टर्स काम बंद हैं, जो 65% जनता अपनी जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके स्वेच्छा से त्वरित सुगम और गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए निजी चिकित्सालय को का चयन करती है, आज वो जनता रोड पर खुद भटक रही है, और वो ये कह रही है कि ये जो अस्पताल इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी, भ्रष्टाचार से यहाँ डॉक्टरों के ट्रांसफर होते हैं, एक एक जगह ना उनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एक जगह 5-5 गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एक एक जगह आपको एक ENT वाला पूरी सारी फैकल्टीज देख रहा है, 5 पीडियाट्रिशियन एक जगह बिठा दिए, कहीं और क्यों, पैसे से होता है सब, आपको भी बताया सरकारी में, ना उनकी खुद की कोई सफाई व्यवस्था है, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स उनके जंग लग गए हैं, ना उनकी कोई मेंटेनेंस है, ना उनके नर्सिंग स्टाफ उसमें है, अनुशासन में है। तो बिल्डिंग से और बजट में देने से सरकारी तंत्र नहीं चलता, जो निजी चिकित्सालय के ये इतने जो डॉक्टर्स हैं वो खुद ध्यान रखते हैं, किसी भी निजी चिकित्सालय के बाहर इतना कचरा नहीं मिलेगा आपको, आप जाके अभी चले जाइए और यहाँ से शुरू हुई है, नवलगढ़ में जितने निजी चिकित्सालय हैं ये इस तरह से गुटखा पान पुड़िया सरकारी के सामने मिल सकता है, ये जिला अस्पताल है उसकी ये हालत है, लेकिन निजी चिकित्सालय के सामने आपको नहीं मिलेगा। तो इस तंत्र के फेल्योर को वो निजी चिकित्सालयों पर थोप कर और जनता को स्वास्थ्य दिलाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्या पहले जनता के स्वास्थ्य के हितों की चिंता नहीं थी, सब काम अच्छे से चल रहा था, चिरंजीवी में और RGHS में डॉक्टर्स काम कर रहे थे, उसमें ढंग का पैकेज नहीं है, और जो सामान्य सी चीजें हैं जिनके लिए आम जनता को रोज रोज अस्पताल का दरवाजा खटखटाना पड़ता है उनके लिए कोई पैकेज नहीं है, जनता को भी बेवकूफ बना दें कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं और इधर चिकित्सकों को बना दें, हम वो दोनों योजनाएं भी सरेंडर करने को तैयार हैं। आप निजी चिकित्सालयों को कृपया करके फ्री कर दीजिए आप इस अपने RTH कानून से, हम जनता के स्वास्थ्य की हितों की रक्षा करते हैं, ये बात जनता जानती है। ये झूठ है कि जनता उनके नाकाम मंसूबों को नहीं उनको फेल्योर उनका जानती है, ये इस तंत्र का फेल्योर जानती है, और तभी वो हमारा चुनाव करती है, ये जनता जानती है। वो भ्रामक विचार फैला रहे हैं कि जनता हमारे खिलाफ है, जनता हमारे साथ है। सर आज से पहले हमारे अंदर मानवता सेवा की भावना है, और आज से पहले क्या रोड साइड पे जो एक्सीडेंट होता था तो हम इतने जल्लाद नहीं है जो हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री कह गए कि ये कसाई है,
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ 25 साल के करियर में, और हमारे से भी बड़े हैं ये, इतना नर्सिंग स्टाफ और इतने लोग खड़े हैं कि किसी ने पैसे की सोची है। हमारा एक रिफ्लेक्सेस होते हैं, उठाया जो आया उसको अंदर लिया, स्टिच लगाने, पैरामीटर्स लेने, ये सब काम अपने आप होता है। ये उनका भ्रम है कि हम पहले पैसे की डिमांड करते हैं। ये मानव सेवा हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अगर यहाँ भी अभी हो जाएगा ना तो इसकी हड़ताल नहीं है, मानवता के प्रति हमारी हड़ताल नहीं है सर। अगर यहाँ कोई कोलैप्स हो जाएगा हम उसको CPR करेंगे। देखे ऊपर से हमारे क्या ऑर्डर आते हैं। मशाल रैली चल रही है, जयपुर से जिक्र हुई थी, और अपनी अपने स्तर पर हम कर रहे हैं। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार की आंख खुलेगी, कब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता के स्वास्थ्य की चिंता होगी जो आज दर दर भटक रही है, और कितनी जनहानि हो रही है, कितने डायलिसिस के अभाव में मरीज मर रहे हैं, कितने मासूमों की जान जा रही है, उस सब की अगर उनको चिंता है ना तो उनको ये दिन ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहिए।